चैलेंज भीतर ये होता है हमें कि क्यों हमें बाहर बार बार बाहर का आकर्षण होता है। बहुत बेसिक चैलेंज है, हर इंद्रिय से, आंखों से आकर्षण, कान से। वैसे तो भी कहा विधाता ने, में घड़ा ही ऐसा है कि हम बाहर की ओर ही भागते हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न होता है। तो और आज पतंजलि योग सूत्र के आधार पर हम देखते हैं कि क्या समाधान दे रहे हैं। तो आज के भी कुछ सूत्र दे और प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स, यानी ये ऐसा ही है, तुम मानो चाहे ना मानो, पर ये सिद्धांत ऐसे ही चलते हैं। सो प्रश्न हमारे भीतर कई बार आ जाता है ये कि व्हाई वी आर अट्रैक्टेड आउटसाइड, क्यों हम बाहर की तरफ ही आकर्षित होते हैं। शौच सूत्र के अंदर उन्होंने इसका समाधान दिया है 40-41 नंबर के सूत्र पर, पेज नंबर 70। शौचात स्वांग पिछली बार हमने यम के पांच रूप देखे थे, आज नियम पर बात होगी कि आपका आपके साथ का रिश्ता कैसा हो, आपके साथ का व्यवहार कैसा हो। और एक बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स ले डाउन कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आर प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स यानी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स विच आर द रूल्स, जिनको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2+3=5, दिस इज अ प्रिंसिपल, यू कैन नॉट क्वेश्चन दिस कि 2+3 को 5 कैसे बनाया, अर्थ गोल है, अर्थ इस तरह घूमती है। दीज आर ऑल द प्रिंसिपल्स, वाई इट इज लाइक दिस, किसने ऐसा बनाया, यू मस्ट नॉट क्वेश्चन द प्रिंसिपल्स। तो आज के भी कुछ सूत्र दे आर प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स, यानी ये ऐसा ही है, तुम मानो चाहे ना मानो, पर ये सिद्धांत ऐसे ही चलते हैं। 40 नंबर का जो शौच है, सूत्र है, उसमें बाह्य शौच की बात की है। शौच का मतलब होता है पवित्रता। और 41 नंबर का जो सूत्र है उसमें अभ्यंतर, आंतरिक शौच, आंतरिक पवित्रता की बात की है। शौच यानी पवित्रता, क्लीनलीनेस, कहीं ना कहीं बाह्य क्लीनलीनेस। सूत्र क्या कहता है? शौचात, शौच से, पवित्रता से, क्लीनलीनेस से हमें स्वयं के अंगों के प्रति घृणा होती है और दूसरों का संसर्ग करने से अटकते हैं। वैसे घृणा शब्द मुझे बहुत पसंद नहीं है, लेकिन कहीं ये कहूंगी हम स्वरूप समझते हैं। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हम अपना शरीर, अपनी जगह, अपनी वस्तुओं, सबको, शरीर के को पवित्र रखते हैं, स्थान को पवित्र रखते हैं और वस्तुओं को पवित्र, क्लीन रखते हैं, डस्टिंग वगैरह करना, जब हम शरीर को नहाकर धोकर पवित्र करते हैं, स्थान को साफ करके पवित्र करते हैं और वस्तुओं को डस्टिंग आदि करके नला दुला देते हैं, वस्तुओं को भी पवित्र करते हैं, तो उसका सीधा सीधा अफेक्ट इस पर पड़ता है कि पर के प्रति का हमारा आकर्षण कम हो जाता है। दिस इज अ प्रिंसिपल। आई वॉज वंडरिंग वाई इज इट सो। ऐसा प्रिंसिपल स्टेटमेंट इन्होंने कैसे दे दिया कि जब हम शरीर को क्लीन रखते हैं, स्थान को क्लीन रखते हैं और स्थान में पड़ी हुई वस्तुओं को क्लीन रखते हैं, तब उसका रिजल्ट क्या होता है? पर के प्रति का हमारा अट्रैक्शन कम होता है। समवेयर हम बच्चे थे ना, तब हमने ये चीज पढ़ी है, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, पढ़ा है तुम लोगों ने, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। गॉडलीनेस मतलब
आनंद, हम तो आनंद की भाषा में आज बात करेंगे, उत्सव आनंद, तो हम दूसरों में भी ढूंढ क्या रहे हैं? इस पर बात पर जरा विचार करना। दूसरों से संपर्क कर कर, दूसरों को पा कर हम ढूंढ क्या रहे हैं? आनंद, पूर्णता, संतोष, कि ये मिल जाएगा, ये भोग लेंगे तो आनंद और संतोष हो जाएगा। वी आर फाइंडिंग दैट गॉडलीनेस इन अदर्स, बट क्लीनलीनेस इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ गॉडलीनेस। सो अगर आप अपने में ही वो क्लीनलीनेस का आयोजन शुरू कर देते हो, शरीर को पवित्र रखना, स्थान को पवित्र रखना, स्थान में आ रही वस्तुओं को पवित्र रखना, तो अपने आप दूसरों से वो आनंद की चाह तुम्हारी कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र। क्यों पहले के समय में, वर्षा आंटी मुझे याद है आपके घर में बोला जाता था नहा कराओ फिर चौके में जाओ, नहा कराओ, ऐसा कुछ रूल था? दिन में 10 बार नहाती थी, मतलब 3-4 बार तो नहा ही लेती होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बुजुर्गों ने वो थ्रू DNA, मे नॉट बी अ स्पिरिचुअल वैल्यू और नॉलेज सिस्टम, लेकिन थ्रू DNA ये बात को पास किया गया था, शरीर पवित्र होना चाहिए। शरीर पवित्र होगा, स्थान पवित्र होगा, और स्थान में पड़ी हुई वस्तुएं पवित्र होंगी, यानी उसमें क्लीनलीनेस होगी, तो यू विल रिसीव दैट लेवल ऑफ गॉडलीनेस विद इन यू, और उस लेवल की गॉडलीनेस, आनंद, शुद्धि, संतोष आपको जब अपने भीतर ही अनुभव में आ रहा है, तो आप उसके लिए बाहर क्यों भागेंगे? योर अट्रैक्शन लोवर्स डाउन, प्रिंसिपल है, कोशिश करके देख लो। और जिनको एक बार आंतरिक पवित्रता की आदत पड़ जाए ना, आंतरिक मतलब खुद को साफ रखना, स्थान को साफ रखना और वस्तुओं को, और साफ रखना, इट शुड नॉट बी OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ये क्लीनलीनेस डिसऑर्डर आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, लोगों को होता है कि बस साफ ही करते जाओ साफ। अरे साफ इसलिए करना था सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस गॉडलीनेस इन यू, यू गेट ऑटोमेटिकली डिटैच फ्रॉम आउटसाइड, तुम्हारा जो अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, बाहर की तरफ कम हो। लेकिन वो OCD वाली सफाई की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो अपने जीवन को ऐसा आयोजित करो, खुद भी पवित्र रहो, रोज नहाना है और नहा कर ही साधना करनी चाहिए, ये भी एक नियम बनाओ। कल ही मुझसे कोई पूछ रहा था जो नहा के ध्यान करना होता है, तुम्हें कैसी हंसी आ रही है ना, मुझे करुणा आती है बस, कह रहे इतना बेसिक इनको नहीं पता कि साधना के लिए तो नहाने के बाद ही बैठना चाहिए। ये उठे और बैठ गए तो वो 21 मिनट में आधा तो तुम सोई रहोगे। सो शरीर को साफ रखना, स्थान को साफ रखना और उस स्थान में पड़ी हुई वस्तुओं को साफ रखना, इन बेसिक क्लीनलीनेस, नॉट OCD। इसके आधार पर इसका परिणाम क्या होता है कि दूसरों की तरफ का संसर्ग, आकर्षण जो है हमारा अपने आप कम होना शुरू हो जाता है, एक बेसिक अलगाव अपने आप आ जाता है, अलगाव यानी डिटैचमेंट अपने आप आ जाता है। 41 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं आभ्यंतर पवित्रता क्या है, ये तो बाह्य पवित्रता है, अब आभ्यंतर पवित्रता क्या है, आंतरिक पवित्रता क्या है, इसमें भी अगेन एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, सत्व शुद्धि, सात्विक शुद्धि होती है, सौमनस्य यानी मन की स्वच्छता होती है, एकाग्रता और इंद्रिय जय, आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त होती है, आत्मदर्शन योग्यतवानी च। आभ्यंतर पवित्रता क्या है, सत्व प्रकट होता है यानी तमस और रजस तुम्हारे क्लीन हो जाते हैं, पवित्रता यानी क्लीनलीनेस, एक ही बात याद रखो, शौच यानी क्लीनलीनेस, तुम्हारे तमस और रजस जब धुल जाते हैं तो सत्व अपने आप प्रधान होगा कि नहीं, तमस रजस की क्लीनलीनेस हो गई तो सत्व डोमिनेंट फोर्स हो गया तुम्हारी लाइफ का। मन के स्वच्छ होने से यानी मन में जब सत्व आ जाता है तो अपने आप एकाग्रता बढ़ जाती है, मन की एकाग्रता बढ़ने से इंद्रियों का जय होता है और इंद्रियों का जय ही आत्मज्ञान की योग्यता से तुम्हें भरता है। देखो पूरा उन्होंने क्रम दिया है, बड़ा सुंदर क्रम, समझो तमस और रजस धुल जाएंगे तो मन हमारा सत्व प्रधान होगा, सत्व प्रधान मन में एकाग्रता होती है और जहां एकाग्रता आ गई ना वहां डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। ये तुम जनरल लाइफ में भी देख लो, आजकल मैं दिव्या दृष्टि को डांट रही थी कि तुम लोगों के मार्क्स वर्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं,
तो डिस्ट्रैक्टेड है माइंड, और उसका सीधा मीनिंग क्या होता है? एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता नहीं है इसका मतलब मन में सत्व नहीं है, और मन में सत्व नहीं है यानी तुम तमस और रजस में भाग रहे हो। उल्टा रिवर्स इंटीग्रेट करो। जब जब आपको लगे कि इंद्रियां बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है? इंद्रियां बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है इसका मतलब ही यह है मन एकाग्र नहीं है। जिसका मन एकाग्र होगा उसके आसपास कितनी भी इनवाइटिंग चीजें हो ना, तो दे डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। या इनफैक्ट जब हम एकाग्रता पूर्वक कोई कार्य में लगे हो तो बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो, वी डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, इजंट इट? लेकिन एकाग्रता आएगी किसके अंदर? जिसके अंदर तमस और रजस धुले हुए हो। धुले हुए, धुल गए मतलब चले गए नहीं, मतलब दे आर प्योर, वो अपनी अपनी जगह पर स्थिर है। सो अगर हमारा प्रश्न होता है कि हमारे लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शंस क्यों है प्रभु, इंद्रियां हमारी बार बार बाहर क्यों भागती है, सीधा अगेन यहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, हमारी इंद्रियां बार बार भागती है इसका मतलब क्या है? मन में एकाग्रता नहीं है। मन में एकाग्रता नहीं है इसका मतलब क्या है? मन में सत्व की प्रधानता नहीं है। और किसकी प्रधानता है? तमस और रजस की। गो फाइंड आउट सम वे कि तमस और रजस तुम्हारा डिसॉल्व हो। समझ में आ रहा है पवित्रता क्या है? बाह्य पवित्रता यानी शरीर स्थान और वस्तुओं को क्लीन करना। आंतरिक पवित्रता यानी तमस और रजस को ऐसा धो डालना कि मन हमारा सत्व हो जाए, और सात्विक मन एकाग्र होता है, और एकाग्र मन इंद्रियों पर विजय पा जाता है। यह पूरा क्रम बताया प्रिंसिपल, ब्यूटिफुल। आगे कहते हैं ये तो शौच, क्योंकि नियम के पांच प्रकार है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो आज ये पांचों के क्या फायदे होते हैं, इन पांचों को अपने जीवन में लाने से, उस पर बात चल रही है। दूसरा 42 नंबर का सूत्र, संतोष। के ये सूत्र है, सूत्र यानी शब्द थोड़े, अर्थ गंभीर, कई बार तो इतना गंभीर अर्थ कि अर्थ कोई निकाले तभी निकलता है, अदरवाइज अर्थ निकलता ही नहीं। इनफैक्ट कितने सूत्रों में हम देख रहे हैं बात, अर्थ कोई निकालने वाला चाहिए। संतोष नियम की बात कर रहे हैं, पांच नियम में दूसरा नियम, संतोष से अनुत्तम यानी उत्तम से उत्तम, द हाइएस्ट सुख की प्राप्ति होती है, सुख का लाभ होता है। संतोष से हाइएस्ट सुख का लाभ होता है, दैट इज द हाइएस्ट सुख जिसको हम सब खोज रहे हैं। और ऐसे संतोष को इन फ्लिकर्स हमने कहीं ना कहीं अपने जीवन में अनुभव किया है। जब संतोष की पीक आती है ना, ध्यान से समझो इस, अगेन इट इज अ प्रिंसिपल, संतोष की जब पीक आती है उस पीक में तृष्णा का अभाव हो जाता है। कैन यू रिलेट? आप खाना खा के बैठे हैं, एकदम आराम से पूरा भोजन कर लिया, और उस समय आपको आके कोई पूछे शाम को क्या खाएंगे, क्या क्या आपको अंदर से क्या भाव आएगा? आई एम फुल तृष्णा, मुझे शाम को तक भोजन ही नहीं करना, मतलब खीर तक भी आप खा चुके हैं, उसके बाद आपको कोई पूछ रहा है शाम को क्या लेंगे, देयर इज दैट सम मिनट, सम मोमेंट्स वेयर यू रियली डोंट वॉन्ट एनी मोर, इजंट इट? वो कुछ मिनट्स के अंदर आपने एक सुख का अनुभव किया है विद रिस्पेक्ट टू फूड। अब ऐसे हजारों आयाम हमारे भीतर चलते हैं, लेकिन अभी अगर एक की बात करें तो भोजन कर लेने के बाद अचानक कुछ देर भोजन के प्रति की तृष्णा का अभाव हो जाता है, और वो एक जाति का सुख प्रदान करके जाता है हमें, एक जाति का संतोष प्रदान करके जाता है हमें। एकेडमिक्स में कोई टॉप कर गया, अब जैसे अवनीश की आदत थी हर बार ही गोल्ड मेडल उठा के ले आता था, तो मतलब गोल्ड मेडल आ गया
तो एक संतोष आ गया ना कि उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, बात ही खत्म। तो वो थोड़ी देर का संतोष इसको अंदर जरूर फील होता होगा, उत्तम सुख की फीलिंग होती होगी, बट अगेन द लाइफ इज डिजाइंड इन सच अ वे कि अभी तो एक एकेडमिक में गोल्ड मेडल मिला, वहीं टारगेट सेट हो जाते हैं दूसरे एकेडमिक में गोल्ड मेडल लेने के। लेकिन स्टिल कोई आपसे क्लास में आके पूछे, मतलब 50 बच्चों की अगर क्लास है एंड ही इज अ टॉपर, तो कोई आके कहे कि और क्या चाहते हो, तो तुम भाई वन के ऊपर और क्या है, टॉप आ गए, टॉप के ऊपर देयर इज नो टॉप मोस्ट, बस वही है टॉप तुम्हारा। तो एक फीलिंग ऑफ अंडर करंट में एक सुख की फीलिंग होती है। मैंने बहुत फील किया जब 10th के 12th के एग्जाम्स भी खत्म होते थे ना, और वो पहला दिन दूसरा दिन जो एग्जाम के बाद जो लिटरली लेट बैक लाइफ, मतलब कुछ करना नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं, कोई किताब नहीं, किताबें सामने पड़ी है पर पढ़ने का प्रेशर नहीं, सो व्हाट अ मोमेंट ऑफ सुख संतोष। इवन अपने जॉब वगैरह के अंदर भी सेल्स प्रोजेक्ट होते हैं, टारगेट्स अचीव करने होते हैं, तो एक दिन की राहत तुम्हें मिलती है टारगेट अचीव्ड, एक संतोष उस दिन अचानक तुम ये फील कर पाओगे, बहुत सुकून है। लेकिन अगेन द लाइफ इज डिजाइंड इन सच अ वे और चाहिए। ऐसे संतोष का अनुभव, मतलब मोमेंट्री संतोष का अनुभव हम सभी करते हैं, यस और नो, हम एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट पर आने वाले हैं अभी। लेकिन मन फिर उसी जाति के संतोष को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वो कहाँ ढूंढता है, गलती कहाँ करता है, बाहर ढूंढता है। जाति के संतोष को तुम्हें टेस्ट करा दिया गया कि भाई एकेडमिक्स में गोल्ड मेडल आ गया तो जो सुकून हुआ, या रोज पेट भर के खाना खाने के बाद दो जो थोड़े बहुत मिनट्स या घंटे गए, इस जाति का सुख सतत बह सकता है, अकारण बह सकता है, बिना किसी वस्तु की सहायता के बह सकता है, बिना किसी गोल्ड मेडल की सहायता के बह सकता है, बिना किसी सेल्स टारगेट के पूरे हुए भी ये बह सकता है। तुम्हें सत्संग ये समझाता है तो तुम्हारी दृष्टि अंतर्मुख हो जानी चाहिए। लेकिन फिर हम बाहर वापस उसी संतोष को ढूंढते हैं और ढूंढते हैं और ढूंढते हैं, वो संतोष मोमेंट्री मिलता है, वापस चिंगारी जलती है, वापस नया टारगेट सेट करते हैं, वापस चिंगारी जलती है। सद्गुरु क्या करते हैं, तुम्हारे को अंतर्मुखता का पूरा पूरा मार्ग बताते हैं। गेट इनसाइड, अंदर की तरफ आओ। तुमने स्वाद तो चख लिया, लेकिन अब ये स्वाद परमानेंट हो जाए, अब ये स्वाद संतोष का, सुख का स्वाद अकारण हो जाए, आजाद हो जाए, गुलामी से बाहर आ जाए, तुम जब चाहो जहां चाहो वहां ऐसे उत्तम से उत्तम सुख का अनुभव कर सको। उसके लिए सद्गुरु तुम्हें अंतर्मुख होने का मार्ग बताते हैं।